जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शबली जी, रब एक जय साईं जी। 786 SA ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है बाबा जी। जे चैनल ते पहली बारी आए हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते बैल आइकन नूं जरूर दबा लो ताकि तुहानूं आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वह मिलती रहे जी। सो वादे दे मुताबक भाग दूजा, हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियर शरीफ वाली सरकार जी की इतिहास के भाग दूजा लैके थोड़े अगे हाज़र हुए हैं बाबा जी। तो जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं सुनिया या नहीं देखिया वीडियो उन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन के पा दिता जाएगा, वह जरूर देख लैन। अज के भाग के साबिर पाक कलियर शरीफ वाली सरकार जी का बचपन के कुछ वाकयात, बचपन दियाँ कुछ गल्लां, बचपन दे कुछ कोतक और किदां जन्म लिया, जन्म होया उन्हां दा, वो सारियां गल्लां सांझियां करांगे बाबा जी। सो आओ गल करदे आं साबिर पाक कलियर शरीफ वाले सच्ची सरकार जी। कहिंदे ने कि जदों साबिर पाक जी का जन्म होया उन्हां दा जिहड़ा चेहरा सी वो बहुत ज़्यादा नूरानी सी, नूर नाल दगदा पिया सी, जिवें मालक दी है ना मर्जी, मालक आप ही अपने वलियां दे विच अपना नूर पा के भेजदे आ, तो उन्हां दा चेहरा जिहड़ा सी दगदा सी। ते जदों साबिर पाक सरकार दा जन्म होया ते माता उन्हां दे जिहड़े सीगे जमीला खातून जी, खुशियां आउंदियां पुत घर आउंदा, पिता जी भी उन्हां दे बहुत खुश सी, सैयद अब्दुल रहीम जी। तो कहिंदे ने कि जदों साबिर पाक जी पहले साल दुध पींदे सी, जदों अपने वालदा दा अपने माता दा दुध पींदे सी, तां पहले साल वो की करदे सी, एक दिन दुध पींदे सी फिर एक दिन दा रोज़ा रखदे सी, मतलब एक दिन दुध पीना माता दा ते दूजे दिन उन्होंने कुछ भी खाना पीना ना, दुध पीना ही ना, मतलब इदां ही रहना, पानी भी ना पीना। जदों दूसरा साल आया तो कहिंदे उन्होंने एक दिन दुध पीना माता दा ते वालदा अपने दुध पीना, तो दो दिन फिर रोज़ा रखना। कहिंदा भाव कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने 9 दिन अपनी वालिदा दा दुध पीता 2 सालों च। फिर तीसरे साल सरकारां ने वालदा दा दुध पीना भी छड़ दिता, दुध पीना बंद कर दिता। तो जदों चौथा साल आया तो कहिंदे कि उन्होंने मुख दे विच्चों जिहड़ा कलमा निकलिया वो कलमा सी बाबा जी ला मौजूद इल्ला, जिसका मतलब है कि अल्लाह तो अलावा कुछ मौजूद नहीं, भी उस परमात्मा तो उस अकाल पुरख अल्लाह वाहिगुरु राम तो अलावा होर कुछ भी मौजूद नहीं। कलमे का मतलब सी कि अल्लाह तो अलावा होर कुछ मौजूद नहीं। तो 6 साल की उम्र के इन्हे पिता जी का देहांत हो गया से, अकाल चलाना करके इस फानी दुनिया तो परदा कर गए, फानी दुनिया तो चल वसे। तो इन्होंने 7वें साल के नमाज़ की पाबंदी कर ली, भी जिदा मुस्लिम धर्म के हुंदा कि नमाज अदा करनी है, तो नमाज़ की पाबंदी कर ली, तो अपने हुजरे मुबारक के चले जाना और उत्थे ही रहना एकांत दे विच, तनहाई दे विच परमात्मा का नाम लेना, मालक नू याद करना, बंदगी करनी ते मालक नाल ही गल्लां करनी है। तो सारा सारा दिन एकांत च ही बैठे रहना, उत्थे ही हुजरा मुबारक च ही बैठे रहना अपने, क्योंकि जिहड़ी फानी दुनिया वा इहदे विच फकीरां दा जिहड़ा मन आ बचपन तो ही घट लगता है, या जदों भी उन्हां नू सुरत आउंदी उह तों घट लगता है। तो ये एकांत दे विच तनहाई दे विच रहना पसंद करदे वली जिहड़े हुंदे आ, और ये साबिर कलियर पाक कलियर शरीफ वाले साबिर पाक जी की गल कर रहे हैं आपां, जिन्हां दी मतलब कहन दा भाव कि जिन्हां दी रज़ा ही आ कि उन्हां दे जिहड़ा दरबार आ कलियर शरीफ उस दे उपर वी कहिंदे परिंदा भी उन्हां दी मर्जी तो बिना नहीं जा सकदा, ऐसे डाढ़े फकीर होए, ऐसे जलाली पीर होए बाबा जी। तो फानी दुनिया च दिल ना लगना, इन्होंने अपने हुजरा मुबारक च जाना, सारे सारा दिन सारी सारी रात उस खुदा दी बंदगी करते रहना,
और रब नाल गल्लां करनियां, अल्लाह नाल रब नाल गल्लां करनियां, तनहाई दे विच रहना, एकांत च रहना। ते इन्हां दे वालदा जिहड़े सी, इन्हां दे माता जी सीगे जिहड़े, उन्हां ने कहना कि अली अहमद ये जो तू कर रहा वा ये करन दी अजे तेरी उम्र नहीं, कि ये फकीरां दा काम आ, ये तेरा काम नहीं, तू इस पासे ना जा। माण हुंदा ही आ कि पुत किधर नूं तुर पिया, और इन्हां फकीरां दे मावां दे दिल ते पत्थर रखण वाली गल हो जांदी आ जदों घर बार त्यागना पैंदा फकीर नूं, चाक जाना पैंदा। शायद उत्थे ही गल ये ना कि वह वृक्ष तो हैगा आ पर उहदी छां किसे नूं नहीं मिलनी क्योंकि घर च आ, ते इसलिए फकीर शायद दूर होंदे। पर वह जदों हुण उन्होंने समझाया तो अगों अली अहमद साबर पाक सरकार कहन लगे कि ये दुनिया फानी है, अज नहीं तां कल मुक जानी है, मैं उस नाल यारी लाई है, मैं उसका नाम ध्यान रहा जिहड़ा सदा ही नाल रहण वाला, जिहड़ा हमेशा ही नाल रहेगा, वह परमात्मा, वह अल्लाह, वह वाहेगुरु, हमेशा ही अल्लाह मेरे नाल रहेगा, इत्थे भी उत्थे भी हर थां जहान दे विच। वह फानी नहीं है कि वह खुदा की याद दे विच मैं रहना, उस मालक की बंदगी रहना जिन्हें कदे भी नहीं मुकना। यह दुनिया तो फानी है, इन्हां नाल की यारियां लावां मैं। तो कहिंदे कि एक दिन ना साबर पाक अपने बूहे दे विच बैठे, सजरी सवेर सी, सवेर का वक्त सी, चौथा पैर कह सकते हैं, चौथा पंजवां पैर कह सकते हैं, तो उन्होंने माता जी की अख खुली तो उन्होंने देखा कि साबर पाक इदा बाहर बैठे आ छोटी जी उम्र के बच्चे। तो वो जो बाहर जाते तो देखते कि एक सप सीगा, नाग सीगा, वह कट्टिया पिया सी, ते इदा गिरया होया। तो इन्हें माता जी ने कहा कि ये तुसी की कीता, ये तुसी की कीता, ताको सरकार साबर पाक कहन लगे कि ये अज सप्पां दा राजा आ, इहनू अज खत्म कर दिता गया, और इन्हें वादा किया कि साढ़े खानदान दे विच, भी साढ़े खानदान दे विच ना तो सप किसी नूं लड़ेगा, अपने पूरे खानदान दे विच कहिंदे सप किसी नूं लड़ेगा नहीं, ना ही वड्डेगा, क्योंकि ये जिन्हों मैं मारिया है ये सप्पां दा बादशाह है, तो इहनू इहदे तों मैं वादा भी लिया कि ना अपने खानदान जे किसी नूं वड्डेगा, ना किसी नूं लड़ेगा। हुण साबर पाक सरकार यतीम हो गए सी, है ना, पिता जी चले गए, माता कल्ली है, घर च गरीबी सी। देखो बड़ी बचपन दे विच ते अज उन्हां दे दरबारां ते देखो क्या रंग है, दुनिया लंगर चली जांदा फकीर दा बस है। वो घर दे विच गरीबी सी ते खान नूं नहीं सी कुछ, पर वह बचपन सीगा, छोटे सीगे जदों बच्चियां नाल खेड़ के आए तो कहिंदे माता मैनूं भुख लगी है। हुण भुख ने दरवाज़ा खड़काना, चाहे फकीर है चाहे बादशाह, भुख तो थोड़ी बहुती लगनी है बाबा जी, फकीर नूं भी लगनी है, बादशाह नूं भी लगनी है। तो वह कहिंदे माँ मैनूं भुख लगी है, तो माँ हुण इदां की कहे कि घर है नहीं कुछ। माँ कहिंदी पुत भी मैनूं माड़ा जिहा कम कर लैंदे, भी मैं कम करूँगी ते फिर तेरे लिए कुछ बनाऊंगी, तू उदक पानी पी ला। वो पानी पीते, पानी पीते फिर बाहर चले जाते अपने घूमते फिरते, उन्नी देर हूँ वो भुल गए कि भुख लगी सी, इन्हें फिर वापस आए कहें माँ मैं भुख लगी है। वह कहें भी उन्होंने की किया, उन्होंने माता जी ने, उन्हों की माता जी ने कहें कि सिर्फ पतीले दे विच पानी पा के रख दिता, क्योंकि घर कुछ भी नहीं सी, तो उन्होंने वैसे ही झांसा देता भी मैं चौल पकने रखे आ, देख तेरे सामने रखे आ, भी जो बन गए तो फिर आ जाए, है ना, भी फिर खाने भी तुसी जाए आओ। वो फिर बाहर चले जाते, वो रख्या हुण पानी सी, वह तीसरी बारी जदों आए कहिंदे माँ मैनूं भुख लगी आ कि मैनूं दिओ कुछ खाण लई, ते हुण माँ ने उन्हां नूं कह दित्ता भी चौल रखे आ, ते वह कहिंदे चलो जे तुहानूं, और तुसी उन्हां दे माता कहिंदे भी मैं कम करदी पई, कहिंदे जे तू कम करना माता तां कम कर ला, भी मैं आपे लै लैना। ते हुण माता डरे भी कि वालदा उन्हां दे डरे भी कि मैं इहनूं झूठ कहा, तो जे बच्चे पता लग गया भी मैं झूठ गया, तो उन्होंने कहना भी मेरी माँ ने मेरे ना झूठ बोलिया, ये गलत असर पेगा, बंदगी वाले सी। तो उन्होंने जो जाके वो कहते हैं कि उन्होंने जो पतीले दे उत्तों ढक्कण चक्या तो विच चौल सी, भी रब की ऐसी रजा हुई, अल्लाह की ऐसी रजा हुई, परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि उहदे विच चौल बने सी। तो वह कहन लगे कि माता चौल बन गए आ, भी मैं खाण लगा तुसी भी खाओ। माता भज्जी भज्जी गई जदों देखती आ
ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਏ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਡਾਢਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਸਾਬਰ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ, ਪਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਐਸੇ ਪਲੇ ਕਿ ਸਬਰ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਸਬਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਬਰ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਛ ਵਾਕਿਆਤ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਗ ਦੂਸਰੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਬਰ ਪਾਕ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਕਰਮ ਕਰੀ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜੀ। ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਸੱਚ ਫਰੀਦ।